चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2022 का पहला मैच खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। 26 मार्च को शाम को 7:30 पे मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के अनुसार। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़ दे दूं कि अब से चेन्नई सुपर किंग्स के जो कप्तान है वो होने वाले हैं रविंद्र जडेजा। महेंद्र सिंह धोनी एज ए प्लेयर खेलेंगे, अब से सीएसके के कैप्टन रविंद्र जडेजा रहने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आज से ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोस्तों लिंक से ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको टेलीग्राम ऐप को ओपन करना और सर्च करना है @D11Teams और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा D11 Teams के नाम से, तो याद से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मिलेगी आपको कंप्लीट पिच रिपोर्ट, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और हम दोनों टीमों के प्लेयर का कंपैरिजन करने के साथ साथ जो प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उनके बारे में बताएंगे। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप खुद से अच्छी खासी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हो। वहीं दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक याद से कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के गिव अवे कॉन्टेस्ट के बारे में। दोस्तों आप इस वीडियो के गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके जीत सकते हो ₹1,000। पार्टिसिपेट कैसे करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रिडिक्शन देनी है कि इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट कौन सा बॉलर लेगा और सबसे ज्यादा कैच कौन सा फील्डर पकड़ेगा। गिव अवे के रूल क्या है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रिडिक्शन देनी है। वहीं दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर हम गिव अवे के विनर का रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पाइए ₹1,000 जीतने का मौका। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट और पिच बिहेवियर के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि ये मैच खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। अगर दोस्तों हम बात करें वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की पिच रिपोर्ट के बारे में तो दोस्तों मैं आपको सिंपल वर्ड में बता दूं कि यहाँ की पिच है वो काफी हद तक बैटिंग फ्रेंडली रह सकती है। इसके पीछे बहुत ही सिंपल लॉजिक है दोस्तों, आईपीएल 2021 यानी लास्ट ईयर आईपीएल के अंदर इस ग्राउंड के ऊपर 10 मैच खेले गए थे, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 4 और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 6 मैच जीते थे। लेकिन दोस्तों इन 10 मैचों के अंदर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 176 रन था। यानी दोस्तों आपके मान के चलो जब फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 176 रन है तो आप मान के चल सकते हो कि पिच काफी हद तक बैटिंग फ्रेंडली रह सकती है। वहीं दोस्तों यहां पे थोड़ा सा सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम मैच जीत सकती है। उसका रीजन क्या दोस्तों, आपको सेकंड इनिंग के अंदर थोड़ा बहुत ड्यू फैक्टर देखने को मिल सकता है। इसका एक मतलब यह भी होता है दोस्तों, जो टीम पहले बॉलिंग करती है उसके बॉलर इनिशियल स्टेज यानी स्टार्टिंग के अंदर विकेट निकाल के लेके जा सकते हैं। अगर दोस्तों यहां पे चेन्नई की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो एडम मिलन एक अच्छी चॉइस रह सकती है आपके लिए अगर ये प्लेयर खेलते हैं तो। वहीं दोस्तों अगर यहां पे कोलकाता की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो उस केस में आपके लिए शिवम मावी या फिर उमेश यादव अच्छी चॉइस रह सकती है स्टार्टिंग के अंदर। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि इस ग्राउंड के ऊपर जो 10 मैच खेले गए हैं उसमें फर्स्ट इनिंग के एवरेज विकेट फॉल 7 है और सेकंड इनिंग के एवरेज विकेट फॉल 6 है। यानी दोस्तों आपको मीडियम साइज विकेट फॉल देखने को मिल सकते हैं। एक चीज और बता दूं दोस्तों, यहां की पिच काफी हद तक जैसे कि मान के चलते हैं कि बैटिंग फ्रेंडली रह सकती है तो आप बैट्समैन को कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। जैसे दोस्तों डिवोन कॉनवे हो गया, ऋतुराज गायकवाड़ हो गया, वेंकटेश अय्यर हो गया, सुरेश अय्यर हो गया, इनमें से आप किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन भी चूज कर सकते हो अगर आप ड्रीम इलेवन पे ग्रैंड लीग की ज्यादा टीमें बना रहे हो तो। वहीं दोस्तों अगर इन 10 मैचों में स्कोर पैटर्न की बात करें तो 150 से नीचे स्कोर 3 बार बना है, 150 से 169 के बीच स्कोर 1 बार भी नहीं बना है, 170 से 189 के बीच में स्कोर 2 बार बना और 190 प्लस स्कोर 5 बार बना है। यानी दोस्तों मैक्सिमम ऑफ टाइम हाई स्कोर है लेकिन कुछ मैचों में लो स्कोरिंग मैच भी रहा है। उसका रीजन क्या दोस्तों, लास्ट ईयर आईपीएल के काफी सारे मैच इस ग्राउंड पे खेले गए थे जिसकी वजह से एक ग्राउंड के बार बार मैच होने की वजह से कुछ पिच थी वो स्टार्टिंग में बॉलर को फेवर कर रही थी, तो ये फैक्टर भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों पिच को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हमने इस ग्राउंड पे खेले गए एक लास्ट ईयर 2021 के आईपीएल के एक मैच का रिकॉर्ड लिया है, जिसके अंदर चेन्नई और कोलकाता के बीच वो मैच हुआ था, जिसके अंदर चेन्नई की टीम ने पहले बैटिंग करते 220 रन बनाए थे 3 विकेट पे और कोलकाता की टीम 202 रन बनाई पाई थी और 18 रनों से वो मैच चेन्नई ने जीता था, जिसके अंदर प्लेयर ऑफ द मैच थे फाफ डु प्लेसिस। हालांकि दोस्तों इस सीजन में फाफ डु प्लेसिस चेन्नई की तरफ से नहीं खेल रहे हैं लेकिन दोस्तों फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन प्लेयर ऑफ द मैच थे। एंड दोस्तों बैट्समैन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, यानी कि आप किस पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, ऋतुराज गायकवाड़, ड्वेन कॉनवे या फिर दोस्तों वेंकटेश अय्यर,
श्रेयश अय्यर, नीतीश राणा, इन पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। वहीं दोस्तों अगर उस मैच में हम पेसर स्पिनर की बात करें तो पहली इनिंग में फास्ट बॉलर को एक विकेट और स्पिनर को दो विकेट, दूसरी इनिंग में फास्ट बॉलर को आठ विकेट और स्पिनर को कोई विकेट नहीं मिला था। एक चीज और बता दूं दोस्तों, मान लीजिए कि पिच है वो काफी हद तक बैट्समैन को फेवर कर रही है और किसी टीम ने अगर टॉस जीत के बैटिंग चूज कर ली तो उस केस में आप सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने वाली टीम के बॉलर ज्यादा चूज कर सकते हो ग्रैंड लीग की टीम के अंदर। बाकी दोस्तों बात करें तो काफी हद तक बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों डेथ ओवर के बॉलर और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आपके लिए यहां पे क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें पिच के बेसिस पे कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो आपके लिए दोस्तों यहां पे डिवोन कॉनवे, अंबाती रायडू, ऋतुराज गायकवाड़ और रविंदर जडेजा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। वहीं दोस्तों आपके लिए वेंकटेश अय्यर, श्रेयश अय्यर, शिवम मावी और ड्वेन राव काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं यहां पे आपके लिए कोलकाता की तरफ से। बाकी दोस्तों काफी हद तक पिच बैटिंग फ्रेंडली रहने वाली है, फिर भी अगर पिच के रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको फाइनल रिपोर्ट टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे क्लिक करके आज से ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों T20 क्रिकेट फीवर फिर से स्टार्ट हो रहा है विद इंडियन T20 लीग, और आप सिर्फ घर पे टीवी में मैच इंजॉय मत कीजिए बल्कि अपनी क्रिकेट की नॉलेज यूज करके My11 सर्कल ऐप पे फैंटेसी क्रिकेट खेलिए और हो जाइए मालामाल। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि My11 सर्कल ऐप पे खेलना कैसे, तो दोस्तों खेलना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको एक मैच सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपने 11 बेस्ट प्लेयर चूज करने विद कैप्टन और वाइस कैप्टन, यानी आपको अपनी खुद की टीम बनानी है और उसके बाद आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि आप My11 सर्कल ऐप पे ही क्यों खेले, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या दोस्तों, इस साल T20 लीग में My11 सर्कल ऑफर कर रहा है बिगेस्ट फर्स्ट प्राइज, यानी दोस्तों आप अगर My11 सर्कल ऐप पे चेन्नई वर्सेस कोलकाता के बीच पहला IPL का मैच है उसके अंदर अगर आप फर्स्ट प्राइज जीतते हो तो आप जीत सकते हो 1,51,00,000 रुपए। और दोस्तों आपको बता दूं इतना बड़ा फर्स्ट प्राइज कोई भी फैंटेसी प्लेटफॉर्म ऑफर नहीं कर रहा है, तो इतना मत सोचिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, My11 सर्कल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारा कूपन कोड YT2022 यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिपॉजिट बेनिफिट मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप चेन्नई और कोलकाता के बीच जो पहला मैच है इंडियन T20 लीग का उसके अंदर अपनी टीम से VVS लक्ष्मण सर की टीम को हरा दोगे तो आपको मिलेगा 5 गुना कैश। देखो दोस्तों फैंटेसी के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑफर My11 सर्कल ऐप भी देता है, तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, My11 सर्कल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा ₹1,500 साइनिंग बोनस। साथ ही दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर के लिए खास ऑफर है जिनमें उनको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट, यानी आप पहली बार ऐप के ऊपर कितना पैसा डिपॉजिट करोगे उसका आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। या फिर दोस्तों आप हमारा कूपन कोड YT2022 भी यूज कर सकते हो जिसमें भी आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए, My11 सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए और खेलना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 2021 के IPL में वानखेड़े स्टेडियम पर कैसा परफॉर्म किया था। अगर दोस्तों हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने वानखेड़े स्टेडियम पे 2021 के IPL में 5 मैच खेले थे जिसमें से 4 मैच जीते थे और 1 मैच हारा था। अगर दोस्तों हम बात करें इस सीजन यानी इस साल जो पहला मैच है उसमें आप कौन से प्लेयर पर ज्यादा निगरानी रख सकते हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़, रविंदर जडेजा, ड्वेन ब्राउर, अंबाती रायडू, ये 4 प्लेयर पहले मैच के लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। हालांकि दोस्तों मोइन अली भी काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं लेकिन दोस्तों मोइन अली पहला मैच नहीं खेलने वाले हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, दोस्तों कोलकाता ने लास्ट ईयर IPL के में इस ग्राउंड के ऊपर 2 मैच खेले थे और दोनों के दोनों मैच हारे थे। अगर दोस्तों हम बात करें प्लेयर टू वॉच फॉर कोलकाता, तो दोस्तों वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल और शिवम मावी, ये 4 प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं शिवम मावी डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, आंद्रे रसल मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं और डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। वहीं दोस्तों वेंकटेश और श्रेयस अय्यर दोनों टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ सकते हैं। बाकी दोस्तों आगे इस वीडियो में हम हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कौन सा प्लेयर आपके लिए कौन सी सीजन में इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रोबेबल प्लेइंग 11 ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स। अगर दोस्तों हम बात करें CSK और KKR की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रिडिक्टेड है, मैक्सिमम चांसेस है यही प्लेइंग 11 रहने वाली है।
फिर भी अगर किसी एक या दो प्लेयर का चेंज होगा तो मैं आपको बाद में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अगर दोस्तों हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, तो आपको ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और डिवोन कोनवे। अगर दोस्तों डिवोन कोनवे यहाँ पे नहीं खेलते हैं, उस केस में रोबिन उथप्पा ओपनिंग करने आ सकते हैं। बाकी दोस्तों हाई चांस है कि आर गायकवाड़ और डिवोन कोनवे ओपनिंग करने आएंगे। उसके बाद दोस्तों मोइन अली ये मैच नहीं खेलेंगे, तो तीन नंबर पे अंबाती रायडू आ सकते हैं या फिर रोबिन उथप्पा आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा आएंगे, महेंद्र सिंह धोनी आएंगे, शिवम दुबे आएंगे, ड्वेन ब्राउन आएंगे, मिचेल सेंटनर आएंगे, एडम मिलेन और क्रिस जॉर्डन में से कोई एक खेल सकता है। हाई चांस है एडम मिलेन ये मैच खेलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों केएम आसिफ, तुषार देशपांडे या फिर राजवर्धन हंगराकर में से कोई एक खेल सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से महत्वपूर्ण प्लेयर के बारे में, दोस्तों आर गायकवाड़ काफी इंपोर्टेंट रह सकते हैं, डिवोन कोनवे काफी इंपोर्टेंट रह सकते हैं, अंबाती रायडू काफी इंपोर्टेंट रह सकते हैं, रविंद्र जडेजा काफी इंपोर्टेंट रह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ड्वेन ब्राव भी काफी इंपोर्टेंट रह सकते हैं। एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर यहाँ पे टीम चाहेगी तो तीन नंबर पे शिवम दुबे को भी भेज सकते हैं। दोस्तों शिवम दुबे राजस्थान की तरफ से काफी बार जब लास्ट के आईपीएल में खेलते थे तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ सकते थे, तो ये प्लेयर आपके लिए ट्रंप प्लेयर रह सकता है अगर ये प्लेयर खेलता है तो, खासकर ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से। वहीं दोस्तों अगर बॉलर की बात करें तो एडम मिलेन डेथ में बॉलिंग करेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ड्वेन ब्राव दोस्तों 100 प्लस मैचेस खेल चुके हैं और डेथ में बॉलिंग करेंगे, ये प्लेयर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, तो आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य राणे। उसके बाद आएंगे दोस्तों या तो सुरेश अय्यर आएंगे या फिर नितेश राणा आएंगे। हाई चांस है तीन नंबर पर सुरेश अय्यर ओपनिंग करने आएंगे। उसके बाद दोस्तों चार नंबर पर नितेश राणा आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आंद्रे रसल, उसके बाद दोस्तों सेम बिलिंग और सेल्डन जैक्सन में से कोई एक खेल सकता है। दोस्तों एक और बात बता दूं, अगर यहां पे सेल्डन जैक्सन खेलते हैं तो ये प्लेयर ओपनिंग भी कर सकता है अजिंक्य रहाणे की जगह। वेंकटेश अय्यर तो फॉर श्योर ओपनिंग करने आएंगे, लेकिन अजिंक्य रहाणे की जगह ओपनिंग भी कर सकता है, तो ये प्लेयर भी आपके लिए काफी ट्रंप प्लेयर रह सकता है। उसके बाद दोस्तों सुनील नारायण और टिम साउदी, उसके बाद उमेश यादव, शिवम मावी और वरुण चक्रवर्ती। अगर दोस्तों हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से महत्वपूर्ण प्लेयर के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए फोर्थ स्पॉट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वेंकटेश अय्यर, उसके बाद दोस्तों सुरेश अय्यर, उसके बाद दोस्तों आंद्रे रसल, उसके बाद दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं शिवम मावी। ये चार प्लेयर तो काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप ड्रीम इलेवन पे ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो उस केस के अंदर आप कौन से प्लेयर को मौका दे सकते हो, जैसे कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आप यहाँ पे वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे और सुरेश अय्यर इन तीनों के कॉम्बो के साथ जा सकते हो। उसके बाद दोस्तों जैसे डेथ में बॉलिंग करने आते हैं टीम साउदी और शिवम मावी, आप इन दोनों के कॉम्बो के साथ भी जा सकते हो। बाकी दोस्तों थोड़ा बहुत स्पिन असिस्ट करती है पिच तो आप वरुण चक्रवर्ती के साथ भी जा सकते हो। बाकी दोस्तों ये प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 है, अगर इस प्लेइंग 11 में कोई एक या दो चेंज होगा तो फाइनल में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी दोस्तों जनरल प्लेइंग 11 है, इन प्लेयर का जो भी पीछे का रिकॉर्ड है, जो भी इनका स्टेट्स है, उसका कंपैरिजन करेंगे हम आगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों हम करते हैं प्लेयर कंपैरिजन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये प्लेयर कंपैरिजन हम करने वाले हैं सेक्शन वाइज। जैसे दोस्तों एक होता है विकेट कीपर सेक्शन, एक होता है बैट्समैन सेक्शन, एक होता है ऑलराउंडर सेक्शन और एक होता है बॉलर सेक्शन। हम यहाँ पे हर एक सेक्शन के प्लेयर का कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा प्लेयर आपके लिए कौन सी कंडीशन में इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो ये वाला सेक्शन आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन के बारे में। विकेट कीपर में दोस्तों हमारे पास चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी, जो कि छह नंबर पर बैटिंग करने आ सकते हैं। लास्ट पांच मैचों में एवरेज फैंटेसी पॉइंट 20 है। एवरेज फैंटेसी पॉइंट क्या है दोस्तों, यहां पे एवरेज फैंटेसी पॉइंट है टोटल पॉइंट इन लास्ट 5 मैच डिवाइड बाय 5 करके मैंने एवरेज निकाला, ताकि आपको समझने में आसानी हो। वहीं दोस्तों हमारे पास कोलकाता की तरफ से सेम बिलिंग, जो कि 6 नंबर पे बैटिंग करने आ सकते हैं, या फिर अगर कोलकाता की टीम चाहेगी तो इस प्लेयर को ओपनिंग करने ही भेज सकती है। 51 एवरेज फैंटेसी पॉइंट है। अगर दोस्तों ये मैच सेम बिलिंग नहीं खेलते तो उनकी जगह सेल्डन जैक्सन ये मैच खेल सकते हैं, जो कि 6 नंबर पे बैटिंग करने भी आ सकते हैं, फिर ओपनिंग करने भी आ सकते हैं और लास्ट 5 मैचों में एवरेज फैंटेसी पॉइंट 83 है। और दोस्तों प्लेयर के लास्ट 5 मैचों में आप परफॉर्मेंस देखिए, इसका सिलेक्शन मात्र 5%, यानी ये प्लेयर अगर खेलता तो ये प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगर दोस्तों हम बात करें स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से, अगर दोस्तों स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में आपको बता दूं कि आप स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से सिलेक्शन पे जा सकते हो, या तो आप सेम बिलिंग को चूज कर सकते हो या फिर महेंद्र सिंह धोनी को चूज कर सकते हो। बाकी मेरी पहली चॉइस सेम बिलिंग रहने वाला है स्मॉल लीग के अंदर। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, उस केस के अंदर मैं आपको बता दूं, अगर सेल्डन जैक्सन खेलते हो तो ये प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग की एक अच्छी पिक रह सकती है। बैटिंग फ्रेंडली पिच है, इस प्लेयर का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है और काफी कम बंदों को इस प्लेयर के बारे में पता है, तो ग्रैंड लीग की एक अच्छी पिक रह सकती है। बाकी दोस्तों आप ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बैट्समैन सेक्शन के बारे में। दोस्तों बैट्समैन हमारे पास चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से है डिवोन कॉनवे, जो कि ओपनिंग कर सकते हैं। लास्ट पांच मैचों में एवरेज फैंटेसी पॉइंट 59 है। रोबिन उथप्पा दोस्तों अगर खेलेंगे तो तीन नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, 47 एवरेज फैंटेसी पॉइंट है। अंबाती रायडू चार नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, 55 एवरेज फैंटेसी पॉइंट है। और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग कर सकते हैं, 71 एवरेज फैंटेसी पॉइंट। और दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने लास्ट ईयर इस ग्राउंड यानी वानखेड़े स्टेडियम के ऊपर काफी कमाल का परफॉर्मेंस दिया था। हालांकि स्टार्टिंग के दो तीन मैच फ्लॉप रहे थे, लेकिन उसके बाद काफी कमाल का इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया था। वहीं दोस्तों हमारे पास कोलकाता की तरफ से नितेश राणा तीन नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, 36 एवरेज फैंटेसी पॉइंट है। श्रेयस अय्यर दोस्तों तीन या चार में से एक नंबर बैटिंग करने आएंगे। अगर श्रेयस अय्यर तीन नंबर बैटिंग करने आएंगे तो नितेश राणा चार नंबर बैटिंग करने आएंगे। अगर यहां पर नितेश राणा तीन नंबर बैटिंग करने आते हैं तो श्रेयस अय्यर चार नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं और एवरेज फैंटेसी पॉइंट 41 है। उसका दोस्तों अजिंक्य राणे ओपनिंग कर सकते हैं, एवरेज फैंटेसी पॉइंट 44 है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो उस केस में आपके लिए चेन्नई की तरफ से फर्स्ट चॉइस है ऋतुराज गायकवाड़, सेकंड चॉइस है अंबाती रायडू और थर्ड चॉइस है डिवोन कॉनवे। ये तीनों प्लेयर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं क्योंकि मुंबई की पिच थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली रह सकती है। वहीं दोस्तों अगर कोलकाता की बात करें तो आप नितेश राणा और श्रेयस अय्यर दोनों में से किसी एक को भी चूज कर सकते हो और दोनों के साथ भी जा सकते हो। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो उस केस के अंदर आप कुछ डिफरेंशियल पिक चूज कर सकते हो, जैसे दोस्तों यहाँ पे रोबिन उथप्पा काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं या फिर दोस्तों यहाँ पे अजिंक्य राणे काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। एक चीज और बता दूं दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी टीम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करती है तो उस केस में मान के चल सकते हैं कि इनिशियल स्टेज के ऊपर पिच में थोड़ी स्विंग हो सकती है। तो उस केस में जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके आप टॉप ऑर्डर के एक या दो बैट्समैन ड्रॉप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप आर गायकवाड़ और डिवोन कॉनवे में से किसी एक या दो को ड्रॉप कर सकते हो और उसकी जगह आप किसी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप ऐसा सिनेरियो कर रहे हो कि आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ड्रॉप कर रहे हो उस केस में आप ऑपोजिट टीम के मेन बॉलर को याद से चूज कीजिएगा। वहीं दोस्तों अगर कोलकाता की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप यहां पे अजिंक्य राणे और जो वेंकटेश अय्यर उनमें से किसी एक या दो को ड्रॉप कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में। दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन हमारे पास चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से मोइन अली, जो कि ये मैच नहीं खेलेंगे, मिचेल सेंटनर खेल सकते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों रविंदर जडेजा जो कि कप्तान है अभी चेन्नई सुपर किंग्स के, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, पांच नंबर बैटिंग करने आते हैं। लास्ट पांच मैचों में एवरेज फैंटेसी पॉइंट 45 है। उसके बाद दोस्तों शिवम दुबे राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कर सकते हैं। ये प्लेयर दोस्तों वैसे तो पांच या छह नंबर बैटिंग करने आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मोइन अली ये मैच नहीं खेलेंगे तो हो सकता है इस प्लेयर को टीम टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने भेज दे, चांस ले ले, तो ये प्लेयर आपके लिए ट्रंप प्लेयर रह सकता है। एवरेज फैंटेसी पॉइंट 39 है, बॉलिंग भी करने वाला। वहीं दोस्तों हमारे पास कोलकाता की तरफ से आंद्रे रसल राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, पांच नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, एवरेज फैंटेसी पॉइंट 56 है। सुनील नारायण राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, सात नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, एवरेज फैंटेसी पॉइंट 52 है। मोहम्मद नबी राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 37 एवरेज फैंटेसी पॉइंट है। और वेंकटेश अय्यर राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं, ओपनिंग करने आ सकते हैं, 69 एवरेज फैंटेसी पॉइंट है। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप स्मॉल लीग की बना रहे हो उस केस में चेन्नई की तरफ से आपका फर्स्ट चॉइस है रविंदर जडेजा, वहीं दोस्तों आपके लिए कोलकाता की तरफ से फर्स्ट चॉइस है वेंकटेश अय्यर। ये दो प्लेयर आपके लिए फिक्स रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों आप आंद्रे रसल को मौका दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप चेन्नई की तरफ से अगर आप रिस्क लेके चल रहे हो खासकर ग्रैंड लीग की टीम के अंदर तो आप शिवम दुबे को मौका दे सकते हो। अगर दोस्तों फाइनल पिच रिपोर्ट थोड़ा बहुत स्पिन को असिस्ट करता हुआ आए तो उस केस में आप सुनील नारायण और मिचेल सेंटनर में किसी एक या दोनों पे फोकस कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से अलग अलग ट्राई कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन के बारे में। दोस्तों बॉलिंग सेक्शन हमारे पास चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से दीपक चार, जो कि ये मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन दोस्तों तुषार देशपांडे मैच खेल सकते हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, एवरेज फैंटेसी पॉइंट 36 है। उसके बाद दोस्तों ड्वेन ब्राउ राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 74 एवरेज फैंटेसी पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों क्रिस जॉर्डन और एडम मिलेन में से कोई एक खेलेगा, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करेगा, जो भी खेलेगा हाई चांस है एडम मिलेन खेलने वाले हैं, 38 एवरेज फैंटेसी पॉइंट है। उसका दोस्तों के आसिफ और पी सोलंकी में से कोई एक खेल सकता है, फिर दोनों भी खेल सकते हैं। के आसिफ के एवरेज फैंटेसी पॉइंट 31 और पी सोलंकी के एवरेज फैंटेसी पॉइंट 39 है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कोलकाता की तरफ से तो उमेश यादव राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 32 एवरेज फैंटेसी पॉइंट है। शिवम मावी राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 60 एवरेज फैंटेसी पॉइंट है। वरुण चक्रवर्ती राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 41 एवरेज फैंटेसी पॉइंट। और टीम साउदी राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 61 एवरेज फैंटेसी पॉइंट है। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो उस केस में आपके लिए चेन्नई की तरफ से फर्स्ट चॉइस है ड्वेन ब्राउ और सेकंड चॉइस दोस्तों यहां पे आप एडम मिलेन को दे सकते हो। वहीं दोस्तों आपके लिए कोलकाता की तरफ से
फर्स्ट चॉइस है शिवम मावी, सेकंड चॉइस आप वरुण चक्रवर्ती को भी दे सकते हो, टीम सऊदी को भी दे सकते हो। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो यानी 1.5 सीआर वाले कॉन्टेस्ट की टीम बना रहे हो, उस केस में अगर कोलकाता की टीम से उमेश यादव खेलते हो तो इस प्लेयर को याद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आईपीएल 2020 का जो मैच था, जो टूर्नामेंट था, वो इस ग्राउंड के लिए काफी खराब रहा था और 2021 में इस प्लेयर को इतना मौका मिला नहीं था, लेकिन इस साल ये प्लेयर नए जोश के साथ वापसी करने वाला है और आपके लिए ट्रंप प्लेयर रह सकता है पहले ही मैच से। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, अगर यहां पे कोई टीम टॉस जीत के बॉलिंग चूज करती है, उस केस में आप स्टार्टिंग के जो फर्स्ट पहले यानी फर्स्ट 6 ओवर बॉलर डालने आते हैं, उन बॉलरों को याद से सिलेक्ट कीजिएगा। मान लीजिए चेन्नई की टीम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करती है, उस केस में आपके लिए एडम मिलेन एक फर्स्ट चॉइस रह सकते हैं, क्योंकि ये प्लेयर स्टार्टिंग में बॉलिंग करेगा और चेन्नई की टीम ने अगर टॉस जीत के बॉलिंग चूज की है तो यही सोच के बॉलिंग चूज की है कि पिच में इनिशियल स्टेज पे थोड़ी स्विंग है। अगर मान लीजिए दोस्तों यहां पे कोलकाता की टीम टॉस जीत के पहले बॉलिंग चूज करती है, उस केस में आप शिवम मावी, उमेश यादव, इन दोनों के कॉम्बो के साथ भी जा सकते हो। वहीं दोस्तों अगर यहां पे कोई टीम टॉस जीत के बैटिंग चूज करती है, उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, ग्रैंड लीग की टीम के अंदर जो टीम सेकंड इनिंग के अंदर बॉलिंग करे उसके आप ज्यादा बॉलर चूज कर सकते हो। अगर दोस्तों पिच के अंदर ये आए कि थोड़ा बहुत स्पिन को फेवर कर सकते हो, तो आपके लिए वरुण चक्रवर्ती एक अच्छी चॉइस रह सकते हैं। बाकी दोस्तों राज्यवर्धन हसरंगकर भी ये मैच खेल सकते हैं, तो ये प्लेयर भी आपके लिए जीएल की तरफ से काफी इंपोर्टेंट रह सकता है। बाकी दोस्तों अपनी इच्छा अनुसार किसी प्लेयर को चूज कर सकते हो। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं टीम और टिप्स की। दोस्तों मैंने यहाँ पे माई 11 सर्कल ऐप की टीम बनाई है, बाकी आपको हर एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म की टीम हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस टीम में मैंने विकेट कीपर में लिया है अंबाती राइडू और सेम बिलिंग। अगर दोस्तों यहाँ पे सेल्डन जैक्सन खेलेंगे तो मैं सेल्डन जैक्सन को भी ले सकता हूँ। उसके बाद बैटिंग में लिया है श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ और डिवोन कोनवे को, और ऑलराउंडर में लिया रविंद्र जडेजा, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल और ड्वेन ब्रावो को, और बॉलिंग में लिया वरुण चक्रवर्ती और एडम मिलेन को। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डेमो टीम है, इसमें एक या दो चेंज हो सकता है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और अदर फैंटेसी प्लेटफॉर्म की टीम भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। अगर दोस्तों इस टीम में हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पे आर गायकवाड़ एक अच्छी चॉइस है, उसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर अच्छी चॉइस है, वेंकटेश अय्यर अच्छी चॉइस है, रविंद्र जडेजा अच्छी चॉइस है। ये चार प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन की सेफ चॉइस है स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से। अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, उस केस के अंदर आप ड्वेन ब्रावो फोकस कर सकते हो। उस केस के अंदर अगर सेल्डन जैक्सन खेल और ये प्लेयर अगर ओपनिंग करने आए तो ये प्लेयर भी आपके लिए ट्रंप प्लेयर रह सकता है। बाकी दोस्तों डेमो टीम में इसमें एक या दो चेंज हो सकता है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। वहीं दोस्तों अभी तक अगर आपने माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आज से डाउनलोड कर लीजिए, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों आपको बता दूं माई 11 सर्कल ऐप चेन्नई और कोलकाता के बीच जो पहला मैच है उसके अंदर फर्स्ट प्राइज ऑफर कर रहा है 1,51,00,000 रुपए, और दोस्तों बिगेस्ट फर्स्ट प्राइज है फैंटेसी की हिस्ट्री के अंदर। वहीं दोस्तों अगर आप हमारे लिंक से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। साथ ही साथ दोस्तों आप डिपॉजिट के वक्त आप हमारा कूपन कोड YT2022 यूज कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो इतना मत सोचिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए और खेलना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले आईपीएल के पहले मैच की पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और मैच प्रिडिक्शन। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।